नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी और अब इसके लिए बीसीसीआई ने इस दौरे का स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। बता दें कि विंडीज दौरे पर टीम इंडिया 2 टेस्ट 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी। विंडीज दौरे से ही भारत के अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की भी शुरुआत हो जाएगी। साथ ही टीम इंडिया के पास वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करने का मौका होगा। बता दें कि भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद करीब एक महीने का ब्रेक मिला है। 12 जुलाई से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच डोमिनिका में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। दूसरा टेस्ट मैच 20 जुलाई से त्रिनिदाद में खेला जाएगा। तो वही 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई से होगी। पहला और दूसरा वनडे मैच 29 जुलाई को बारबाडोस में, जबकि तीसरा वनडे 1 अगस्त को त्रिनिदाद में खेला जाएगा। बात करें दोस्तों टी20 सीरीज की, तो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 3 अगस्त से होगी। पहला टी20 त्रिनिदाद में, दूसरा टी20 6 अगस्त को गयाना में, तीसरा टी20 8 अगस्त को गयाना में, चौथा टी20 12 अगस्त को फ्लोरिडा में और पांचवा टी20 13 अगस्त को फ्लोरिडा में ही खेला जाएगा। यानी कि यूएसए में भी 2 टी20 खेले जाएंगे। बता दें कि अगला टी20 वर्ल्ड कप यानी कि 2024 का टी20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और यूएसए में ही खेला जाना है। ऐसा माना जा रहा है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट और टी20 सीरीज के लिए टीम में कई बदलाव किए जा सकते हैं। अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 में खेला जाना है। ऐसे में किसी नए खिलाड़ी को तैयार करने का ये सबसे सही समय होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव को खराब प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर किया जा सकता है। वहीं उनकी जगह यशस्वी जायसवाल और मुकेश कुमार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों रिंकू सिंह, जितेश शर्मा को भी इसमें मौका मिल सकता है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिव सुंदर दास के नेतृत्व में सिलेक्शन कमेटी अगले जनरेशन की खिलाड़ियों की खोज में जुट गई है। टी20 सीरीज के लिए पूरी तरह से नई टीम को भेजा जा सकता है। इनमें आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों को भी शामिल किया जा सकता है। रिंकू सिंह और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ियों को टी20 में मौका मिल सकता है। इनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल भी टी20 में अपनी जगह बना सकते हैं। काफी समय बाद आईपीएल में वापसी करने वाले मोहित शर्मा को भी टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। आईपीएल में मोहित ने शानदार गेंदबाजी की थी। वहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली को एक बार फिर से टी20 टीम से बाहर रखा जा सकता है, जबकि सिराज और शमी को वर्कलोड और आने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए टी20 सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है टी20 का जो स्क्वाड बनेगा वहां पर हमें ज्यादातर नए खिलाड़ी देखने को मिले जिन्होंने आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया था। वेल, आप किन खिलाड़ियों को टी20 सीरीज खेलते हुए देखना चाहते हैं टीम इंडिया की तरफ से दोस्तों, अपने फेवरेट खिलाड़ी का नीचे कमेंट सेक्शन में नाम जरूर शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।